ना। जब एक श्रेष्ठ रस का आस्वादन प्राप्त होता है तो निम्न रस अपने आप ही फीका पड़ जाता है। क्या श्लोक है? रसो वर्जम विषय विनर्तन्ते, हाँ, परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। जब श्रेष्ठ रस का स्वादन होता है तो छोटा रस अपने आप ही फीका पड़ जाता है। हम लोग जड़ रस में इतने सुखी मान रहे हैं अपने आप को, ध्यान से सुनो, क्योंकि अभी श्रेष्ठ रस का स्वादन नहीं हुआ। जब श्रेष्ठ रस का स्वादन होगा तो निम्न रस को, छोटे रस को कहना नहीं पड़ेगा तुम हट जाओ। स्वाभाविक रूप में ही रुचि नहीं रहेगी उसके प्रति, स्वाभाविक ही। वहां पर कहना भी नहीं पड़ेगा, साधन भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे कार्तिक की परिक्रमा हो और कार्तिक की परिक्रमा में 15 दिन तक रोज सुबह शाम खिचड़ी प्रसाद दिया जाए, 15 दिन तक व्रत है, खिचड़ी मिल रही है, और जहाँ अन्नकूट महोत्सव हुआ तो हलवा पूड़ी लड्डू कचौड़ी समोसा बालूशाही ये सब मिल गया, तो उसके बाद परिक्रमा वालों से पूछो खिचड़ी खाओगे या अन्नकूट प्रसाद, तो क्या बोलेंगे सब? हाँ, अन्नकूट प्रसाद। अब रोज खिचड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन जहाँ उसका रस श्रेष्ठ हुआ तो दूसरा रस निम्न हो गया, फीका पड़ गया। ऐसे ही ध्रुव जी के चरित्र में, ध्रुव जी जिस पद पर बैठना चाह रहे थे उनके लिए तो वही रस श्रेष्ठ था। किस पद पर बैठना चाहता हूं? जहां पर मेरे पूर्वज आज तक कभी कोई ना बैठे हों, मैं वहां पर बैठकर मैं तपस्या करके उस पद को प्राप्त करूंगा। उस समय ध्रुव जी के लिए वही श्रेष्ठ रस था, लेकिन जहां पर भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ वो ऊंचे पद पर बैठने वाला रस अपने आप ही क्या हो गया? निम्न हो गया, छोटा हो गया। और उस पद को ध्रुव जी, उस पद को ध्रुव जी क्या कह रहे हैं? काचम विचिन्त्य अपि दिव्य रत्नम, वो कांच का टुकड़ा हो गया। अब जब स्वयं ध्रुव जी इस बात को कह रहे हैं वो कांच का टुकड़ा हो गया, इसका मतलब उन्होंने इंद्र पद को भी कांच का टुकड़ा बोल दिया और ब्रह्मा जी के पद को भी कांच का टुकड़ा बोल दिया। देखो, स्वर्ग के जाने की कामना वो भी कांच का टुकड़ा हो गया, वो रस भी निम्न हो गया, ब्रह्मा जी का पद भी निम्न हो गया, और उससे भी श्रेष्ठ क्या हुआ? बोलते हैं भगवान का दर्शन, ये श्रेष्ठ हुआ। अब श्रेष्ठ रस लग गया, समझना, पकड़ना ध्यान को। अब श्रेष्ठ रस लग गया, क्या? भगवान का दर्शन। उसके सामने सारे रस फीके पड़ गए, लेकिन साथ ही साथ ध्रुव जी ने भगवान के दर्शन को भी निम्न कर दिया, उस रस को भी छोटा कर दिया, उससे श्रेष्ठ एक रस, उससे श्रेष्ठ एक रस को बतलाकर। अब भगवान के दर्शन से भी श्रेष्ठ रस क्या हुआ? भक्तिमय परिवर्तन तोई में प्रसंगो, कौन? वो भक्तों का संग, जो भक्त निरंतर आपकी गुण गाथा, आपके कीर्तन करते रहते हैं, वह रस श्रेष्ठ है। किसके बराबर? भगवान के दर्शन से भी श्रेष्ठ हो गया भगवान के भक्तों का दर्शन संग। तो साधन काल में जहां जहां उन्नति की प्राप्ति होगी तो निम्न रस अपने आप ही फीका चलता जाएगा, और जैसे उन्नति होती रहेगी वो ऊंचा रस आस्वादन होता रहेगा। भगवान के दर्शन से भी श्रेष्ठ बताया भगवान के उन भक्तों का संग जो निरंतर भगवान की कथा में रत रहते हैं। यही बात गजेंद्र ने भी कही, भगवान आए गजेंद्र की रक्षा करने के लिए, तो गजेंद्र क्या भगवान का दर्शन नहीं कर रहे? कर रहे हैं। भगवान का दर्शन कहते कह सकते थे हाँ मैं तृप्त हो गया, मैं संतुष्ट हो गया, लेकिन गजेंद्र ने क्या कहा?
एकांतो न यस्य न कंचनार्थम वंशंति यावे भगवत प्रपन्ना अति अद्भुत चरित्र सुमंगलम गायंती आनंद समुद्र मग्ना। मुझको और किसी वस्तु की आकांक्षा ही नहीं है, वो सारे रस फीके हैं, छोटे हैं, उन भक्तों का संग जो आपकी कथा में रत रहने वाले। अति अद्भुत चरित्र सुमंगलम गायंती आनंद समुद्र मग्ना, जो उस समुद्र में, कौन सा समुद्र, उस रस में, आपकी कथा कीर्तन रूपी रस में जो सब समय डूबे रहते हैं, ये श्रेष्ठ रस बताया। फिर देखो कपिल भगवान भी माता देवभूति को क्या कह रहे हैं, सतांग प्रसंगम मम विरज संविदो भवंत हित कर्ण रसायन कथा। उन्होंने अपने दर्शन को श्रेष्ठ बताया, अपने संग को श्रेष्ठ बताया। सतांग प्रसंगम मम विरज संविदो, मेरे भक्तों का संग जो मेरी विरजवती हरि कथा को, मेरी कथा को जो श्रवण कराते रहते हैं, ये संग श्रेष्ठ हो गया। तो जहां पर श्रेष्ठ रस, दूसरा रस अपने आप फीका हो जाता है। बृहद भागवतम ऋतम में ये सारी बात एक भूमिका, ऐसे कितने भी उदाहरण लो, पूरे भागवत जी है। शौनक आदि ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, उनके लिए वो रस सबसे श्रेष्ठ था, लेकिन वो यज्ञ करते 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 बोलते हैं मुंह काला पड़ गया, लेकिन उससे एक श्रेष्ठ रस का पता लग गया, वो क्या, भक्तों का संग। इसलिए सुत सुत महाभागा, सुत गोस्वामी जी के निकट उनको महाभाग्यशाली मानकर उनके निकट वो भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए पूरे श्रीमद् भागवत जी में एक श्रेष्ठ रस के संबंध में बतलाया है, वो श्रेष्ठ रस भक्त की महिमा और उनके संग की महिमा। आप कितने भी उदाहरण देख लो, भक्त के महिमा और उनके संग की महिमा, कोई श्रेष्ठ उन्नत रस बताया। अब आ जाओ बृहद भागवतम ऋतम, जो भागवत जी का भी सार है। श्रीमद् भागवत जी सारे वेदों को, सारे शास्त्रों का सार, और उसका भी सार फिर क्या, बृहद भागवतम ऋतम, जहां पर एक राजा के पास जाया जा रहा है और राजा इंद्र के पास भेज रहे हैं। इंद्र किसके पास भेज रहे हैं, ब्रह्मा जी के पास भेज रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहां भेज दिया, बोलते मैं कृपा पात्र नहीं हूं, भगवान के कृपा पात्र देखना तो शिव जी के पास भेजो। अच्छा, क्या ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों की महिमा का दर्शन नहीं किया, तदभूरी भाग्यम प्रार्थना की ना, एक पत्थर बन जाऊं। दर्शन करके भी नारद जी को कहां प्रेरित कर रहे हैं, कहां भेज रहे हैं, अपने से ऊंचे वाले के पास, ब्रजवासियों के पास नहीं भेजा ब्रह्मा जी ने। वहां टीका में बता रहे हैं सनातन गोस्वामी पाद, अपने से कंपेयर कर रहे हैं ब्रह्मा जी, अरे मेरी आयु भले ही बहुत लंबी है परंतु शिव जी का तो अंत ही नहीं है, शिव का तो अंत ही नहीं है, इसलिए अपने से कंपेयर कर रहे हैं। ब्रजवासियों के पास क्यों नहीं भेज दिया, और जब शिव जी के पास आए तो वहां पर सनातन गोस्वामी पाद बतला रहे हैं शिव उनको लक्ष्मी जी के पास भेजना चाहिए था, जो सब समय भगवान के चरण दबाती हैं, सेवा करती हैं, लेकिन शिव उस समय भागवत जी के एक श्लोक पर विचार कर रहे हैं। शिव तो सब समय भागवत जी का उच्चारण करते हैं ना, शिव भागवत जी के एक श्लोक पर विचार कर रहे हैं, जहां पर स्वयं भगवान ने अपने मुख से कह दिया, ना यथम प्रियात्मा आत्मा योनि न शंकरा न संकर्षनो न च श्री नैवात्म च यथा भवान। भगवान की इस वाणी और भागवत जी के इस प्रमाण को शिव जी विचार कर रहे हैं, नारद जी को किसके पास भेजूं जो भगवान का कृपा पात्र है, लक्ष्मी जी के पास नहीं भेज रहे, क्यों, भगवान ने अपने मुख से स्वयं कह दिया क्या, हाँ मेरा पुत्र ब्रह्मा भी मुझको उतना प्रिय नहीं, शंकर भी मुझको प्रिय नहीं, संकर्षण भी मुझको प्रिय नहीं, मेरी आत्मा भी मुझको उतनी प्रिय नहीं, हे उद्धव
तुम मेरे भक्त जो मेरे इतने प्रिय हो। हर बात को छोटा कर दिया और किसको श्रेष्ठ किया? स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा ना, नैवात्म च यथा भवान, जितने तुम मेरे प्रिय हो इतनी मेरी आत्मा भी मुझको उतनी प्रिय नहीं। इसलिए किसको श्रेष्ठ रस बतलाया? भक्त को। और किसको श्रेष्ठ बताया? भक्त के संग को। इसलिए लक्ष्मी जी को क्रॉस कर दिया स्वयं शिव जी ने। क्यों क्रॉस किया? भागवत जी के श्लोक पर, वो भी स्वयं भगवान ने अपने मुख से जो कहा है उस पर विचार करके कहा, ऐसे नहीं कहा। तब उनको कहां भेजा? प्रहलाद जी की ओर। अब यहां से भक्त की महिमा आरंभ हो गई। प्रहलाद जी, फिर पांडव, फिर हनुमान जी, ये सब। तो लक्ष्मी जी को वहां पर विचार है, लक्ष्मी जी की ओर भेजने पर भी नहीं भेज रहे हैं वहां पर भक्त की महिमा, इसलिए प्रहलाद जी से आरंभ किया फिर वहां पर, ये विचार। इसलिए श्रेष्ठ रस है, कितने प्रकार के भी रस ले लो, जो सार है, सार वो भक्त और भक्त के संग, यही श्रेष्ठ रस है। वृतासुर जी ने भी तो यही कह दिया, ना नाग प्रेष्टम ना च पारमेष्टम ना सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि व पुनर्भवम वा। मेरे को ध्रुव पद भी नहीं चाहिए, ब्रह्म पद भी नहीं चाहिए, ये सब कांच के टुकड़े हैं, ये सब निम्न रस हैं। अरे ध्रुव पद निम्न रस है? हाँ, स्वयं ध्रुव जी ने उसको निम्न बना दिया था। स्वयं ध्रुव जी ने तो कहा ये छोटा रस है, ये कांच का टुकड़ा है। नाचा पारमेष्टम, ब्रह्मा जी का पद भी नहीं चाहिए, वो भी कांच का टुकड़ा है, वो भी निम्न रस है। ना सार्वभौमम, पृथ्वी का राजा वो तो बहुत ही छोटा है। न रसाधिपत्यम, पताल सूतलोक इत्यादि का मालिक राजा वो तो वो भी छोटा है। न योग सिद्धि व पुनर्भवम वा, रिद्धियां सिद्धियां सब और मुक्ति भी निम्न रस है। और इससे ऊंचा बताया उन्होंने, इन सब को छोटा करके इससे भी ऊंचा बताया, विरह कांक्ष से, आपका विरह चाहिए। लेकिन वो प्राप्त कहां से होगा? वो अग्नि, विरह की वेदना, विरह की अग्नि प्राप्त कहां से होगी? तो वृतासुर जी ने कहा, भगवान के पास जाने से होगी। नहीं, कहां से मिलेगी? ममुत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्र भ्रमत स्वकर्म भी। वो मिलेगा कहां से? उत्तम श्लोक जो भगवान हैं, जनेषु सख्यम, उनके जो भक्त हैं उनके निकट जाकर ये श्रेष्ठ रस प्राप्त होगा। चारों ओर दौड़ो, वृंदावन का दर्शन, ये दर्शन, वो दर्शन, परिक्रमा, अपने स्थान पर परम प्रार्थनीय पूजनीय है, परंतु विचार यदि किया जाएगा तो इससे भी सर्वश्रेष्ठ क्या है? भक्तों का संग, भक्तों का संग। महाप्रभु जी ने पूछा ना, दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर, सारे दुख में सबसे श्रेष्ठ दुख क्या है? तो बताया, भगवान का दर्शन नहीं मिल रहा ये सबसे बड़ा दुख है। ऐसा कहा? नहीं कहा। मुझको ये प्राप्त नहीं हो रहा, मुझको वो प्राप्त नहीं हो रहा, ये श्रेष्ठ है? बोलते ये है ही नहीं। क्या बताया? कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं गुरुतर। भगवान के भक्त के संग प्राप्त नहीं हो रहा, अर्थात उनको प्राप्ति नहीं हो रही, इससे बढ़कर और कोई दुख नहीं है। इसमें भी भक्त हर स्थिति में, भक्त की महिमा ही, भगवान की महिमा से भी, उनके संग से भी श्रेष्ठ भक्त के संग की महिमा है। ये सारे शास्त्र का सार, भागवत जी का सार।
निर्गुण स्थिति से भी श्रेष्ठ। एक एक चरित्र उठा के देख लो, ये श्लोक भगवद गीता का हर जगह लग जाएगा। सुखदेव गोस्वामी जी परिनिष्ठ अपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलाया, उस निर्गुण ब्रह्म में परिनिष्ठ हैं, लेकिन वो रस भी निम्न हो गया, छोटा पड़ गया, किसके आगे? भगवान की लीला के आगे। घृत चेद राजेशी आक्यम यद्धित्वान, व्यास जी के मुख से श्रवण करके, विशक्त वेश व्यास जी के मुख से वो पहले वाला रस निम्न हो गया, उससे श्रेष्ठ एक रस की प्राप्ति हुई है, है? और वही व्यास जी भी सब कुछ लिख रहे हैं, लेकिन जब नारद जी का संग प्राप्त हुआ तो एक श्रेष्ठ रस की प्राप्ति हुई है। कहा ना, अहम वेत्मि सुख वेत्मि व्यास न वेत्ति वा। शिव जी कह रहे मैं जानता हूं, सुखदेव जानते हैं, व्यास जी जानते कि नहीं जानते, ये नहीं कहा नहीं जानते, बोलते जानते हैं कि नहीं जानते, ये मैं नहीं ठीक से नहीं कह सकता। दोनों बात कह दी, जानते हैं कि नहीं जानते, नहीं जानते तब नहीं जानते थे जब तक नारद जी का संग नहीं हुआ, लेकिन जहां नारद जी का संग हुआ तो वो जान गए, यानी कि सब समय वो जान नहीं पाए। वेत्ति न वेत्ति वा, जब तक नारद जी का संग नहीं था तब तो वेत न वेत्ति वा नहीं जान पाए, नारद जी के संग के माध्यम से ही जान गए। भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रतप्यम अले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायास्तत पदाश्रयम। सारा दर्शन कर लिया ना, ना मात्र श्री कृष्ण का, उनकी लीलाओं का भी दर्शन कर लिया इत्यादि ये सब। तो इसलिए हाँ, सभी रसों में सर्वश्रेष्ठ भक्त के संग का, यही भागवत जी का सार। इसलिए शिव जी ने प्रहलाद जी के पास भेजा और प्रहलाद जी के संग से ही और उनके उपदेशों से ही प्रभुपाद जी ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने प्रहलाद शिक्षा को ही सबसे श्रेष्ठ शिक्षा मांगी। कौमार आचेत प्राज्ञो धर्म भागवतानि दुर्लभ मनुष्य जन्म तदप्यनुध्रुवर्थदम। और जो नवविधा भक्ति का प्रहलाद जी ने उपदेश दिया, इसलिए वहां लक्ष्मी जी को क्रॉस कर दिया और प्रहलाद जी के संग और इत्यादि, उसके आगे फिर एक क्रम चला। अभी तक तो ब्रह्म इंद्र ब्रह्मा शिव, शिव जी के बाद ही शिव जी के मुख से ही वो महिमा सुनकर फिर प्रहलाद जी का सीक्वेंस, वो क्रम आगे बढ़ा फिर भक्ति वाला, भक्त के संग वाला। इसलिए हम महाराज त्रिदंडी पादगण सन्यासियों के अनुगत में वास्तव में यहाँ बैठकर ही कथा सुनकर बेलवन का दर्शन कर रहे आज किया। ये आज तक की हमारी कथा का कार्यक्रम था। अभी 7 बज गए, हमारी नाटिका। विपिन प्रभु तैयार हैं, ड्रामा वाले सब तैयार हैं, नाटक तो आ जाओ फिर, नाटक वाले आ जाओ, अपना एक तो पीछे पीछे हो जान, आगे एक तो फाका दरकार है। गुरुजी के समय में नियम था और सब समय नियम है, हम लोग वृंदावन में जो दर्शन करते हैं, हमारे वृंदावन के एक पंडा जी हैं, उसको तीर्थ पुरोहित कहा जाता है, उनके साथ साथ हम परिक्रमा करते हैं। यदि वह तीर्थ पुरोहित पंडा जी ना हो तो इतने पंडा हमको परेशान करें, ये हमारे साथ रहते हैं, इसलिए कोई भी पंडा हमको परेशान नहीं करते। तो इसलिए गुरुजी सब समय पंडा विदाई करते थे, हम वृंदावन में इतने समय से रह रहे हैं, आज पंडा विदाई, इसलिए हमारे ब्रह्मचारी कुछ आपके निकट आएंगे और आप पंडा विदाई के लिए कुछ कुछ दक्षिणा देंगे। हेलो, सो टुडे सम ब्रह्मचारीज विल कम एंड एवरीवन should give, supposed to give some little dakshina, some donation for Pandaji. And on behalf of Maharaj, we will all offer this to Pandaji today. Shiradhe. Hello. Shiradhe. Hello. Hello. Panda. Hello. Le aao, aap log chadar leke chale jao. Sabse le aao. Itne mein, natak wale sab ready, Vipin Prabhu.
क्या बात है, वहां से कोई आवाज ही नहीं आ रही, गायब हो गए क्या, कहाँ है? सात बजे का टाइम दिया, हम टाइम के पक्के हैं भैया। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हाँ, और पीछे होना पड़ेगा भाई, ना ना इतना भी नहीं, थोड़ा सा और पीछे होना। यही एक बड़ा स्पेस है, जो स्पेस है उसके हिसाब से, ना 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 ना, हम लोग भी देखेंगे, वो लोग भी देखेंगे, बीच में रहेगा। आ जाओ जल्दी, ताड़ताड़ी आसबेन, ताड़ताड़ी चले आसुन, ना ताड़ताड़ी आसुन। अच्छा मृदंग, ओ भाई मृदंग मृदंग मृदंग। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, हो राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, हो राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधे राधे भजो श्याम राधे, भजो राधे गोविंद भजो राधे, ओ भजो राधे गोविंद भजो राधे, राधे 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 राधे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। हेलो शिवादे राधेश, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। हेलो हेलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे इसको पीछे कर दो हेलो 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 हरे राम हेलो हरे हेलो 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 हरि बोल हरि बोल बोलो हरि बोल